आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के पंचायत भवन संदेश में हूँ। हमारे सामने भाजपा के भाजपा नेता जी हैं। सबसे पहले मैं इनसे परिचय भी दूंगा, परिचय बताइए। मैं विपिन कुमार विश्वास और भाजपा का मंडल प्रवक्ता और जिला में कार्य समिति सदस्य हूँ। और मैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, और 15 अगस्त है उसके उपलक्ष्य में, मैं अपने संदेश के सभी परिवारवासियों को शुभकामनाएं। भैया आप ये बताइए कि कुलोर राजबहार नहर में गांव मछली गांव के सामने जो पुलिया बन रहा है उसके विषय में आप जिलाधिकारी महोदय को, थाना प्रभारी महोदय को आपने आवेदन दे करके पुलिया को रोक लगाने की मांग की है, क्या बात है? कोई रोक लगाने की मैंने मांग नहीं। उसमें ऐसा है कि जो नहर है कुलोर राजबहार, तो वह सोन प्रमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अच्छा। तो उस पर मैं रोक लगाने की मांग क्यों करूँगा, सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ जी। उसमें हुआ है ऐसा कि पिछले साल बड़े पैमाने पर बालू की भंडारण की गई। अच्छा। और आरईओ के द्वारा, ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा, मेरे निजी जमीन में रोड का निर्माण कर दिया। इसके बाबत मैंने जिलाधिकारी और अंचलाधिकारी और जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं और कार्य विभाग के SDO PO और शिक्षण अभियंता को आवेदन दिया था कि आपका रोड गलत जगह पर बन गया है और इसको आप रोड का जब नाग बालू के कारण भंडारण जो हुई थी तो उसको थाना अधिकारी को भी मैंने आवेदन दिया था कि यह रोड बालू भंडारण के लिए नहीं था, आपने इसमें बालू भंडारण कैसे किया। उन्होंने कहा कि मैं इससे बहुत बड़ा पैमाने पर राजस्व सरकार को दे रहा हूँ तो क्यों नहीं भंडारण। तो मैंने मांग रखा कि ठीक है, आप मेरे ही ज़मीन से जब पैसा कमा कर सरकार भी दे रहे हैं तो हमारी ज़मीन का उचित मुआवजा दें। तो उन्होंने इस पर कहा कि आप इसके लिए कोर्ट में केस करो। तो मैंने PLI फाइल कर दिया इसके संदर्भ में ग्रामीण कार्य विभाग के ऊपर, तो उसमें पुल का निर्माण होने लगा। ये लोग बालू को ढकने के लिए रोड का निर्माण करना शुरू किए। तो मैंने पुनः आवेदन दिया कि आप इसकी नापी करवा दो कि आपका रोड का कहाँ तक जमीन है और उसके बाद आप इसका वैलिएशन में रोड का निर्माण करें और मेरा जमीन छोड़ दें। तो उन्होंने इस बात को नहीं माना, ज़बरदस्ती अपना काम किए। तो मैं इसके लिए नहर विभाग के SDO से संपर्क किया, महिला है तो उन्होंने सहयोग किया मुझे। उन्होंने तुरंत तत्काल उनको प्रताप लगाने के लोग के लिए चिट्ठी निकाला, लेकिन वो लोग माने नहीं। रात में काम करके बल पत्ती जला करके फिर उसकी सूचना मैंने उनको दिया, तो उन्होंने थाने को, अंचलाधिकारी को आवेदन दिया कि रोक लगाया जाए, तत्कालिक कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आवेदन पत्र आपने दिया, आपके आवेदन पर ये सोनमहर प्रमंडल के जो पदाधिकारी हैं वो उन्होंने थानाध्यक्ष को दिया रोक लगाने के लिए कहा। आपका इसके बाद फिर आपका आवेदन का क्या हुआ है, आप कार्रवाई कहाँ तक बढ़ी, क्या हुआ इसके बाद? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं बढ़ी है। मैंने इसके बाद अपने जो SDO मैडम है उनको सूचना भी दिया, बोली कि हम इससे अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और बात उन्होंने कहा और हमें सुन करके बहुत दुख भी हुआ इस बात को। तो मैं अपना सारा साक्ष्य जो है नहर से संबंधित जब काम लगा था तो मैंने उनको आवेदन दिया, जब उन्होंने रोक लगाया तो काम दिया और ठेकेदार की हर धर्मिता के बाद भी मेरे पास पर्याप्त सबूत है कि उन्होंने कैसे उसका रात में और दिन में उनके आदेश के बावजूद कार्य करते रहे और उसका पुल का निर्माण कर दिया। और ये खाना पूर्ति है बहुत के लिए नहर में अनापत्ति पत्र लिया गया था कि नहीं, पुलिया बनानी थी? नहीं, कोई अनापत्ति पत्र नहीं दिया गया था, जिसका मैं आपको साक्ष्य दिया हूँ जो SDO मैडम का आवेदन है, और बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र, जबकि इसके संदर्भ में नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ था कि बिना NOC के पुल पुलिये का किसी भी निर्माण नहीं हुआ, लेकिन ऐसा किया गया। तो इस पर तो उस ठेकेदार पर या उनके पर FIR होनी चाहिए, लेकिन तो आप क्या भैया, आपने आवेदन तो दिया, कार्रवाई
कहाँ हुआ, आगे आप क्या करने वाले हैं इसके विषय में? मैं इसके विषय में आपको बतला दूँ कि मैंने जो साक्ष्य है मेरे पास, और मैंने उनसे कह भी दिया हूँ, अब आप वाच करके वाच रेट एंड वाच की स्थिति में हूँ, और मेरा जो मामला है न्यायालय में चल रहा है, विचार भी है, वहाँ पर मैं सभी साक्ष्य अपने वकील को प्रस्तुत कर दिया हूँ, तो आगे की जो न्यायालय के द्वारा आएगा ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो न्यायालय। आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं? मैं यह चाहता हूँ कि जो दोषी इसमें है, जो भी अधिकारी हों, दोषी अधिकारी हों, जो आरियों के हैं या ठेकेदार हों, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी यही मांग है प्रशासन से। अगर कार्रवाई नहीं होती तो मैं न्यायालय के शरण में हूँ, जो न्यायालय से आदेश आएगा मैं उसको मानूंगा, स्वीकार करूँगा।